साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर एक बार में 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक बार में 20 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी पूरे झारखंड में पहली बार गिरिडीह जिले में हुई है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 4 मोटरसाइकिल, 2 कार, 1,38,100 रुपए नगद बरामद किए हैं। पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि जमुआ थाना क्षेत्र में कुछ साइबर क्राइम फर्जी सिम की खरीद बिक्री के माध्यम से साइबर क्राइम करने की योजना बना रहे हैं और इसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों से 20 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से कई फर्जी सिम की बरामदगी की गई है तथा उनके पास से 2 महंगी कार, 27 मोबाइल सेट, 50 सिम, 6 एटीएम कार्ड, 4 मोटरसाइकिल तथा एक मारुति सुजुकी ब्रेजा 2020 मॉडल तथा टाटा नेक्सन 2023 मॉडल की भी गाड़ी बरामद की गई है और नगद 1,38,000 रुपये की बरामदगी की गई है। साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी सिम के माध्यम से कई भोले भाले युवकों को पोषण सखी के माध्यम से और अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर और या फिर किसी भी अन्य माध्यम से उनके OTP प्राप्त कर और उनको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप का प्रयोग करके अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर तथा अन्य विभिन्न माध्यमों से ठगी किया करते थे। गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि साइबर अपराधियों का खात्मा किया जा सके। कई साइबर अपराधियों के द्वारा अभी राज्य से बाहर भी जा कर के साइबर अपराध किए जाने की भी सूचना प्राप्त हुई है। गिरिडीह पुलिस वैसे अपराधियों को भी नहीं छोड़ेगी जो यहाँ के हैं और किसी दूसरे राज्य में जा कर के साइबर अपराध कर रहे हैं। शीघ्र ही गिरिडीह पुलिस की एक टीम पदाधिकारी के नेतृत्व में वहाँ भी भेजी जाएगी। लगातार ऐसी बातें पता चली है कि साइबर अपराध के जो द्वारा कमाए गए इनके पैसे हैं उन पैसों के माध्यम से काफ़ी लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं जिसमें महंगी गाड़ी भी खरीदी इन्होंने, कुछ आलीशान चले एवं अचल संपत्ति के घर भी बनाए हैं और पुलिस धीरे धीरे अपने अनुसंधान के दौरान इन तथ्यों पर भी ध्यान रखेगी कि इनके द्वारा जो अवैध रूप से और फर्जी ढंग से लोगों से ठगी करके पैसे से जो भी चल अचल संपत्ति जो खरीदी गई है या अर्जित की गई है उसके विरुद्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।